आज ही इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई पार्टनर से रिटायर्ड होता है तो उस समय हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो सिचुएशंस बताऊँगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के। पहला जो हमारा है, पहले सिचुएशंस में जो होगा, यदि कोई पार्टनर से रिटायर्ड होता है और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का फ्यूचर में क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये ना बताया गया हो, तो इस सिचुएशंस में हम ये मानते हैं कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो जिस पुराने अनुपात में ही अपने प्रॉफिट को या फिर लॉस को बांटना चाहते हैं। इस प्रकार से उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो उनका पुराना वाला अनुपात ही होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहले सिचुएशंस में, इफ न्यू रेशियो नॉट गिवन, इफ न्यू रेशियो नॉट गिवन, तो यदि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो हमें क्या मानना है, जो उनका ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो होगा। देन ओल्ड रेशियो विल बी न्यू रेशियो। देखिए इससे इससे संबंधित हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और ये जो अपने लाभों को 3:4 और 5:5 में बांटते हैं, ये उनका पुराना रेशियो दिया हुआ है। अब मान ले यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है और मान लेते हैं हम सी रिटायर्ड हो जाता है, तो उस समय ए और बी का न्यू रेशियो होगा कितना, 3:4। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना होगा, 3:4, यदि सी रिटायर्ड होता है तब। यदि बी रिटायर्ड होता है तो ए और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, इफ बी रिटायर्ड देन न्यू रेशियो, मान लीजिए ये हमारा एक पहला क्वेश्चन हो सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन, देन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए और सी का न्यू रेशियो कितना होगा, ये ए और सी का 3:5, 3:5। अब मान लेते हैं तीसरे में, यदि ए रिटायर्ड हो जाता है, इफ ए रिटायर्ड है तब हमारा जो न्यू रेशियो होगा बी और सी का, न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी ये क्या हो सकता है, बी और सी का न्यू रेशियो 4:5। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में न्यू रेशियो फाइंड करना बहुत ही आसान है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जो रिटायर्ड पार्टनर के का भी जो भी हिस्सा है, ठीक है, उस हिस्से को जो पुराने पार्टनर किसी विशेष अनुपात में ले लेते हैं और जिस अनुपात में वो टेक ओवर कर रहे हैं उसी अनुपात को हम पुराने जो बचे हुए पार्टनर से उनके हिस्से में जोड़ के हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो दूसरे सिचुएशन को हम लिख सकते हैं, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक ओवर शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इन स्पेशल रेशियो। तो इस सिचुएशंस में हम जो भी रिटायर्ड पार्टनर हैं उसके हिस्से को जिस अनुपात में बचे हुए पार्टनर्स ले रहे हैं उसे हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड एक हम एग्जांपल करते हैं। इस क्वेश्चंस में तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5, 3:4:3 है।
बी रिटायर्ड हो जाता है फर्म में से और बी के हिस्से को जो बचे हुए पार्टनर से वो इक्वली बांटते हैं। ठीक है, हमें ड्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब इक्वली का मतलब एक अनुपात एक में ले लिया जाता है, ठीक है, ए और सी द्वारा। तो इस प्रकार से जो ए गेन करेगा, ए विल गेन ए कितना गेन करेगा, अब यहाँ पे जो बी जो है रिटायर्ड पार्टनर है, अब उसके हिस्सों को लिया जाता है, बी के हिस्से को कौन ले रहे हैं, ए और सी ले रहे हैं। तो बी का पहले हिस्सा कितना है, बी का जो हिस्सा है 4/12। अब इस हिस्से को कौन से अनुपात में लिया जा रहा है, 1:1 में, मतलब 1/2 ए ले रहा है, इसलिए ए का जो गेनिंग रेशियो होगा वो 4/24। उसी प्रकार जो सी कितने से गेन करेगा, सी विल गेन, अब सी भी उसी हिस्से को लेगा जो रिटायर्ड हुआ है, तो रिटायर्ड बी, बी का जो हिस्सा 4/12, अब इस हिस्से को कौन से अनुपात में ले रहे हैं, बराबर, मतलब 1/2 ये भी लेगा सी भी, तो 4/24 दोनों ले। ठीक है, तो अब हमें ये तो गेन है, अब जितना गेन कर रहे हैं उस गेनिंग रेशियो को हम क्या करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके हिस्से में हम जोड़ देंगे, इस वजह से जो बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो देखिए आगे हम करते हैं, तो यहाँ पे एक का जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो, अब ए का जो पुराना जो हिस्सा था 5/12 प्लस, अब जो जितना गेन कर रहा है उसे हम जोड़ देंगे 4/24। तो एलसीएम यदि हम करें तो कितना आ जाएगा, 24 10 प्लस 4 14/24। उसी प्रकार जो सी का जो न्यू रेशियो होगा, पहले पुराना जो हिस्सा था सी का वो 3/12 प्लस, अब जो गेन कर रहा है 4/24 इसे हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार जो सी का जो हिस्सा आएगा 24 6 प्लस 4 10/24 ये आ गया, ये इनका न्यू रेशियो होगा 14 और 10। तो इस प्रकार से ये न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 14:10, मतलब 7:5, 7:5 इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। इसी में ही एक और तरीके का हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लेते हैं हम तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और इनका जो हिस्सा दिया हुआ है वो 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है, ये जो इनका हिस्सा था ये पहले सिचुएशन से रिलेटेड है। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारे बी जो है वो रिटायर्ड हो जाता है, बी रिटायर्ड हो जाता है, तो अब ए और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए हमें पहले इनको, ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इसे पहले हम पूर्ण में करेंगे हम, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 1/2 और 1/3 और 1/6 का एलसीएम लेंगे, तो 6 आ जाएगा, 3:2:1 ये इनका रेशियो था पहले, तो 3:2:1 पहले हम इसे जो, मतलब कहने का मतलब है पहले जो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, भिन्न में दिया हुआ था, उससे भिन्न से पहले हम पूर्ण में, पूर्ण संख्या में बदल देंगे हम, उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा, जितने भी पार्टनर से उनका एलसीएम ले लेंगे हम, लेने के बाद अब ये पूर्ण संख्या में आ गया है, तो ये जो पहले जो अपने हिस्से को 3:2:1 में बांट देते हैं, तो बस अब वही करना है जैसे पहले सिचुएशंस में करते थे हम। तो बी रिटायर्ड हुआ है, तो बी रिटायर्ड हो गया, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन बचे, ए और सी, तो ए और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, बहुत ही आसान है, कितना
3:1। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।